हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइक व्हील में। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं यामाहा के शोरूम और आज के इस थंबनेल और टाइटल को देख के आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो आज मैं करने वाला हूं 2024 MT15 वर्जन 2.0 का फुल फाइनेंस डिटेल वीडियो। आज से लगभग 8 से 9 दिन पहले मैंने MT के ऊपर एक और फाइनेंस वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको 2 डाउन पेमेंट्स के ऑप्शन दिए थे। पहला था मिनिमम और दूसरा था आपका मैक्सिमम। मिनिमम में हमने 20K रखा था और मैक्सिमम में मैंने आपके इनकम के हिसाब से 45 आपको बताया था। बट लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिनको जानना था कि 60,000 या 80,000 या 1 लाख डाउन पेमेंट में इस बाइक का कितना मंथली EMI बनता है। तो आपके जो भी कमेंट्स थे उनको पूरी तरह इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप 60,000 डाउन पेमेंट करते हो या 80,000 या 40,000 या 1 लाख आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपका मंथली EMI क्या बनता है, उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पर अगर आप जानना चाहते हो इसके मंथली EMI के बारे में तो वीडियो को टिल द एंड जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मंथली EMI तो बताऊंगा ही और ये भी बताऊंगा कि आप एक्स्ट्रा कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो अमाउंट भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं शुरू। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी दोस्तों, तो बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कोई भी फाइनेंस की अगर बाइक आप कराने जाते हो तो उसके लिए ये 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूर नीड होती है। पहला है आपका पैन कार्ड, दूसरा है आपका आधार कार्ड, तीसरा है आपका बैंक पासबुक और लास्ट आप ATM कार्ड अपना ले आ सकते हो। बैंक पासबुक जो है गाइज, उसका 6 मंथ अपडेटेड होना चाहिए प्रीवियस मंथ का। और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपने कोई भी ब्लड रिलेशन का पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में काम आता है। ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं ऑल अबाउट इसके प्राइसिंग के बारे में। तो ये जो बाइक है MT15, ये 2 वेरियंट्स में आती है। पहला जो वेरियंट है वो इसका स्टैंडर्ड वेरियंट है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, और इसका फिर एक टॉप वेरियंट आता है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। बाकी ऑल अबाउट लुक्स, डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो मैं आपको टॉप वेरियंट का ही मंथली EMI के बारे में बताने वाला हूं, जिसका ऑन रोड प्राइस हमारे सिटी में प्राइस चल रहा है 2,11,000। आपके सिटी में जो भी इस बाइक का ऑन रोड प्राइस चल रहा होगा मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं ऑल अबाउट इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो रेट जो इंटरेस्ट होता है गाइस, वो वैरी कर सकती है फाइनेंस कंपनीज के ऊपर, बैंक्स के ऊपर। अभी जो मैं आपको रेट ऑफ़ इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा, कितना रेट ऑफ़ इंटरेस्ट में आपका ये EMI बनने वाला है, वो बनने वाला है 10.48% के हिसाब से। आपके सिटी या फिर आपके फाइनेंसर या फिर आपके बैंक से या फिर आप शोरूम में कहीं पर भी फाइनेंस कराओगे तो वहाँ पर ये जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है ये फ्लक्चुएट कर सकता है। या तो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा या फिर कम देखने के लिए मिलेगा अगर कोई गवर्नमेंट बैंक है। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि आज का जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 10.448% के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं ऑल अबाउट डाउन पेमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए टोटल 5 डाउन पेमेंट्स का ऑप्शन रखा है। पहला सबसे मिनिमम 20,000, उसके बाद 40,000, देन 60,000, फिर 80,000 एंड 1 लाख। 1 लाख लोगों के पास अगर पैसे होते हैं तो वो ज़रूर चाहेंगे कि 1 लाख पे करने के बाद बाकी का जितना पैसा हो उसमें EMI कर ले, और उतना EMI कितना बनेगा उसके बारे में जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 20K का बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो मंथ पीरियड रखे हैं वो टोटल 5 रखा है, जो कि है 18 मंथ्स, मतलब 1.5 ईयर, 24 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2.5 ईयर, 30 मंथ्स, 3 ईयर्स, 36 मंथ, 4 ईयर्स, मतलब 48 मंथ्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 20K डाउन पेमेंट करते हो तो आपका मंथली EMI कितना बनेगा और आप एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हो। आपका मंथली EMI बनेगा 11,513 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 16,237 रुपीज़, जो कि 18 मंथ्स के लिए होगा, 1.5 ईयर, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.48% के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं 2 साल, मतलब 24 मंथ, उसमें आपका मंथली EMI बनेगा 8,856 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 21,545 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं 2.5 ईयर, मतलब 30 मंथ्स, इसका आपका मंथली EMI बनेगा 7,236 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 26,940 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं 3 साल, 36 मंथ, इसमें आपको EMI बनेगा मंथली 6,206 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 32,422 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं 4 साल, मतलब 48 मंथ्स, इसके लिए आप पे कर रहे हो 4,888 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 43,643 रुपीज़। तो ये तो बात हो गई 20K के बारे में। अब बात कर लेते हैं अगर आप डाउन पेमेंट 40K करते हो तो आपका मंथली EMI कितना बनता है। तब आपका मंथली EMI बनेगा 18 मंथ, मतलब 1.5 ईयर के लिए 10,308 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 14,000
537 रुपीज़। दो साल के लिए आपका ईएमआई बनेगा 40K में, डाउन पेमेंट में 7,929 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 19,289 रुपीज़। टू एंड हाफ ईयर 30 मंथ्स, उसके लिए आपका मंथली ईएमआई बनेगा 6,504 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 24,190 रुपीज़। तीन साल, इसके लिए आपका मंथली ईएमआई बनेगा 5,556 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 29,027। अब बात कर लेते हैं चार साल, जिसमें आपका ईएमआई बनेगा 4,377 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 39,637 रुपीज़। तो ये तो हो गया 40K का। अब बात कर लेते हैं 60K। अगर आप 60K डाउन पेमेंट करते हो, 60,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो, तो आपका मंथली ईएमआई कितना बनेगा? यहाँ पर आपका वन एंड हाफ ईयर में मंथली ईएमआई बनेगा 9,102 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 12,836 रुपीज़। वहीं बात करें दो साल 24 महीने के लिए, तो आपका मंथली ईएमआई बनेगा 7,001 रुपये, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 17,039 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं टू एंड हाफ ईयर मतलब 30 मंथ्स, इसके लिए आप पे कर रहे हो 5,743 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 21,298 रुपीज़। वहीं बात कर ले तीन साल 36 मंथ, इसके लिए आप ईएमआई पे करोगे मंथली 4,906 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 25,632 रुपीज़। चार साल के बारे में बात कर लेते हैं मतलब 48 मंथ्स, इसके लिए आपका मंथली ईएमआई बनेगा 3,865 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 34,503 रुपीज़। ये 60K का था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 80K मतलब 80,000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपका मंथली ईएमआई कितना बनेगा? 18 मंथ्स का आपका मंथली ईएमआई बन जाएगा 7,896 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 11,136 रुपीज़। 24 मंथ्स, इसका आपका मंथली ईएमआई बनेगा 6,074 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 14,777 रुपीज़। 30 मंथ्स के बारे में बात करें तो आपका ईएमआई बनेगा 4,983 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 18,477 रुपीज़। वहीं बात करें 36 मंथ, इसमें आपका मंथली ईएमआई बनेगा 4,257 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 22,237 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं चार साल मतलब 48 मंथ्स, इसका आपका मंथली ईएमआई बनेगा 3,353 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 29,933 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं लास्ट, जो कि होने वाला है 1 लाख डाउन पेमेंट। अगर आप 1 लाख का डाउन पेमेंट करते हो तो आपका मंथली ईएमआई बनेगा 18 मंथ्स का 6,691 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 9,436 रुपीज़। वहीं बात कर लें दो साल मतलब 24 मंथ, इसके लिए आपका मंथली ईएमआई बनेगा 5,147 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 12,521 रुपीज़। वहीं बात कर ले टू एंड हाफ ईयर मतलब 30 मंथ्स, इसके लिए आपका मंथली ईएमआई बनेगा 4,222 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 15,656 रुपीज़। वहीं बात करें तीन साल 36 मंथ, इसका आपका मंथली ईएमआई बनेगा 3,607 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 18,842 रुपीज़। वहीं बात कर ले चार साल मतलब 48 मंथ, इसका आपका मंथली ईएमआई बनेगा 2,841 रुपीज़, और आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 25,363 रुपीज़। ये 1 लाख का डाउन पेमेंट का था। सो गाइस, यही थे टोटल मेरे 5 कैटेगरीज, जो सब आप लोगों को जानने थे कि अगर 20,000 डाउन पेमेंट करते हो तो कितना मंथली ईएमआई बनेगा, कितना एक्स्ट्रा पे करोगे। 40K के बारे में मैंने आपको बता दिया, 40,000 में आपका कितना मंथली ईएमआई बनेगा, एक्स्ट्रा कितना आपको पे करना पड़ेगा, 60,000, 80,000 और 1 लाख का भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट रह गए हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल हुआ होगा। ये वीडियो अगर आप सबके लिए यूज़फुल होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और ये वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।